हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको पार्ट चार वायु जीवन पढ़ा रही हूँ। बच्चों, भारत में दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण की विकराल होती समस्या भविष्य में समस्त जीवधारियों के जीवन में कितनी विषम स्थिति उत्पन्न करेगी, यही चित्रण इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। इस आवश्यकता पर बल दिया गया है कि वृक्षारोपण हमारे सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक है। वायु को प्राण भी कह सकते हैं, क्योंकि वायु ही जीवन है। इस जीवन के कारण पृथ्वी पर मनुष्य तथा जीव जंतु निवास करते हैं। पानी तथा भोजन न मिलने पर मनुष्य कुछ समय तक तो जीवित रह सकता है, परंतु वायु के न मिलने पर उसका क्षण भर भी जीवित रहना कठिन है। सभी प्राणी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। सांस लेते समय हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह क्रिया दिन रात निरंतर चलती रहती है। इसके अभाव में प्राणी की मृत्यु भी हो जाती है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। शुद्ध वायु में विभिन्न गैसों की संतुलित एवं निश्चित मात्रा पाई जाती है। यह हमारे शरीर में रक्त की सफाई करती है, सभी अंगों को क्रियाशील बनाती है, शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है और शरीर को विषाणु एवं जीवाणु रहित रखकर उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। वे भी हमारी ही समान सांस लेते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड जड़ द्वारा शोषित जल के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार की क्रिया करती है, जिससे पौधों का भोजन तैयार होता है। यदि पौधों को धूप या और हवा न प्राप्त हो तो उनका जीवित रहना असंभव है। बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि अंगीठी में कोयला या चूल्हे में लकड़ी जब नहीं जलती तब पंखे से हवा करने से वे जल उठती है? ऐसा क्यों? क्योंकि हवा करने से लकड़ी और कोयले को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन जलने में भी मदद करती है। इस बात का प्रयोग करके आप स्वयं खुद देख सकते हैं। एक मोमबत्ती जलाकर उसे एक गिलास से ढक दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मोमबत्ती अपने आप बुझ गई, क्योंकि जब ग्लास के अंदर ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई तो मोमबत्ती बुझ गई। जब किन्हीं कारणों से वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है अथवा कुछ अन्य विषाक्त गैसें हवा में मिल जाती हैं तो वायु प्रदूषित हो जाती है। जब हमारी प्राणवायु प्रदूषित हो जाती है तो हमारा स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव पड़ता है, श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से चक्कर आना, दम घुटना, जी मिचलाना, उल्टियां आदि लक्षण हो सकते हैं। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। वायु अनेक कारणों से प्रदूषित होती है। कारखानों का धुआं और उनके अवशिष्ट पदार्थ, स्कूटर, कार, मोटर गाड़ियां और रेलगाड़ियों का धुआं, विभिन्न प्रकार के कारखानों से निकली विषाक्त गैसें हवा में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देती हैं। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा मनुष्यों का जीवन बचाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वायु को इस प्रकार प्रदूषित होने से रोका जाए। यह कार्य किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, इसके लिए सभी मनुष्यों और सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कारखानों को शहरों से काफ़ी दूर खोला जाना चाहिए तथा इनकी चिमनियों को अधिक से अधिक ऊंचा रखना चाहिए।
कारखानों के दूषित अवशिष्ट पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध करके अन्य उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ दूषित पदार्थों को कारखानों में फिल्टर लगाकर शुद्ध किया जा सकता है। पेट्रोल, मोबिल ऑयल एवं डीजल आदि से चलने वाले वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उसके स्थान पर हमें ऐसे वाहनों का निर्माण करना होगा जो विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चले। इस प्रकार वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों की मात्रा घटेगी। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग वन काटकर कृषि योग्य भूमि और आवास बनाते जा रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग धंधे, कल कारखाने आदि बढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रकार वे वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। वायु प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, क्योंकि ये वायु को शुद्ध रखते हैं। जन जन में यह चेतना जगाई जाए कि पेड़ पौधों को बेरहमी से काटने के बजाय नए पेड़ पौधे लगाएं, तभी मनुष्य का जीवित रहना संभव हो पाएगा। धन्यवाद।